वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अंडे छोले। इसके लिए मैंने अपने बर्तन में लिया है हाफ कप ऑयल। इसमें डालेंगे हम एक दालचीनी का टुकड़ा, एक काली इलायची, चार लौंगे, पांच से छह काली मिर्चें साबित और दो तेज पत्ते। एक दो मिनट बाद हम इसमें डालेंगे, ये पेस्ट है जिसमें हमने एक प्याज और दो टमाटर लिए हैं, उनको मिला के हमने पेस्ट बना लिया है। अब ये हम इसमें डालेंगे, इसको हम भुनेंगे ताकि प्याज और टमाटर की कच्चापन खत्म हो जाए। इसको भुनते भुनते ही हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इस तरह भुनें। अब हम इसमें डालेंगे एक टी स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा मिर्चें कर सकते हैं, धनिया पाउडर एक टेबल स्पून, नमक हसबे जायका। अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून दही, मसाला अच्छी तरह हो गया, इसका ऑयल भी अलग हो गया। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए छोले, मैंने दो कप उबले हुए छोले लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 टी स्पून मैं अभी डालूंगी और 1/4 टी स्पून मैं बनने के बाद डालूंगी। अब इसमें मैं पानी डालूंगी जितनी मुझे इसमें ग्रेवी का चाहिए है। मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास इसमें पानी डाला है और अब मैं इसको पकने छोड़ूंगी 15-20 मिनट के लिए, फिर इसमें हम उबले हुए अंडे शामिल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए अंडे, मैंने 5 अदद उबले हुए अंडे लिए हैं। इसमें डालेंगे 4 साबुत हरी मिर्चें और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको दम पर रखेंगे 5-10 मिनट के लिए। देखें हमारा आलू छोले बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।